हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसे कि आप थंबनेल में देख लिया होगा, हम बात करने वाले इन्फोसिस की, जिसने डिविडेंड दिया है, बायबैक का ऐलान कर लिया है, एज वेल एज अगर बात करें कितने का बायबैक है, ओके, उस और बात करें टोटल कितने ओवरऑल वैल्यू पे आप लिया जा रहा है, एज वेल एज बात करें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। और क्योंकि हम ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं इन्फोसिस में, और इन्फोसिस वन ऑफ द लीडिंग IT कंपनी है, अगर बात करें इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है, और वर्ल्ड की ही बात करें तो तीसरा चौथा नंबर पे ये कंपनी आती है। तो क्या हमें रिजल्ट क्यों पढ़ते हैं? तो रिजल्ट इसलिए ही पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें इस कंपनी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, एक हमें आइडिया आ जाता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर हमारी वीडियोज़ में मैंने अभी एक वीडियो डाली है, मार्केट से 99% रिटेल इन्वेस्टर पैसा क्यों खोते हैं और 1% DIs, FIs, NIs होते हैं तो वो पैसा क्यों कमाते हैं, क्रैश में क्या करना चाहिए, क्या मार्केट छोड़ देनी चाहिए, नीचे आने का वेट करना चाहिए, इससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो इसे देख लीजिएगा। लंबी वीडियो है बट बेनिफिशियल वीडियो है, इसमें बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल CAGR, ROCE क्या क्या होता है, एज वेल एज जिम सिम्पसन्स कौन थे, इससे रिलेटेड मैंने आपको आपको बताया है, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और एक बात और, नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे आपको, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं, और यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, और राम मंदिर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें, ओके, और जितना आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दान दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। आइए वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस के रिजल्ट। तो इन्फोसिस के रिजल्ट आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस, और इसने डिविडेंड भी दिया है, तो डिविडेंड कितना दिया है वो देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं ऐसे, तो डिविडेंड यहाँ पर देख सकते हैं, रिकमेंड अ फाइनल डिविडेंड, तो फाइनल डिविडेंड दे दिया है कितना, 15 रुपये का आपको डिविडेंड दिया है, जैसे कि TCS ने भी 15 रुपये का दिया था, हमने अपनी वीडियो में लास्ट टाइम बात किया था जब 12 तारीख को जब इसके रिजल्ट आए थे, तो आज इसके रिजल्ट आया इन्फोसिस के, तो इसने भी 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। और कब आपको डिविडेंड मिलेगा तो बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट आ गई है, रिकॉर्ड डेट है 1 जून की, मतलब 1 जून को यहाँ पर ये रिकॉर्ड डेट, और रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है एक्स डेट, ओके, जो कि एक्स डेट क्या होती है हम देख लेते हैं, 1 जून से पहले की एक्स डेट क्या होती है, तो यहां पर देख सकते हैं अप्रैल है, ओके, यहां पर मई है, और इसके बाद जून आता है, तो 1 तारीख को है, तो 31 मई को आपका एक्स डेट होगी, और 30th को आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। अगर आप 30 तारीख तक शेयर खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो में, 30 तारीख तक रखते हैं या 30 को ही खरीदते हैं, तो क्या होता है कि CDSL में वहाँ पर आपका डेटा चला जाता है कि आपके शेयर है, और फिर आपको क्या मिल जाता है, उसका डिविडेंड मिलता हुआ नज़र आता है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर डिविडेंड विल बी पेड, तो डिविडेंड कब मिलेगा, डिविडेंड आपको 25 ऑफ जून मतलब 25th जून 2021 यहां पर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फाइनल डिविडेंड आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहां पर थोड़ी सी आपको देर होती है, मतलब 2 महीने का टाइम आप समझ सकते हैं कि 2 महीने में आपको ये डिविडेंड मिलेगा। एज वेल एज बात की जाए बायबैक की, तो बायबैक की न्यूज आ गई है, तो जैसे कि 5 रुपये का इनका फेस वैल्यू का जो शेयर है उसकी बायबैक की न्यूज आई गई, तो कितने का बायबैक होगा, तो 9200 करोड़, अगर बात की जाए कितना, लगभग 1.3 बिलियन के आसपास यहां पर जो भी होगा आप लगा लीजिएगा, 9200 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर, 9200 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर पे बैक, ओके, बस सॉरी बायबैक यहाँ पर आपको आता हुआ नजर आएगा, और कितने प्राइस पे, तो 1750 रुपये के आसपास का प्राइस रहेगा, जो कि आपको इस अगर आप अपना शेयर देना चाहेंगे तो 1750, तो इसमें 1-2 महीने का टाइम लगता है, आपको पता ही है TCS का भी बायबैक आया था, विप्रो का भी आया था, तो उसमें भी 1-2 महीने 3 महीने का टाइम लगा था, तो इधर भी इतना टाइम लगता हुआ नजर आएगा। तो आइए रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं, सबसे पहले हम रिजल्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तो रिजल्ट जस्ट आपके सामने है, होप आपको दिख रहा होगा रिजल्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है 2021 31 मार्च Q4, ये Q3 के रिजल्ट है जो कि 2020 31 दिसंबर को था, और ये 2020 31 मार्च जो कि कोविड के टाइम पे जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो रिजल्ट था। तो सबसे पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपको पता ही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, जो ऑपरेशन मतलब कोई कंपनी क्या काम कर रही है उससे कितना पैसा कमा रही है उसे कहते हैं रेवेन्यू ऑपरेशन, और यही सबसे मायने रखता है। तो यहां पर अगर देख लेते हैं तो लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात करें, ओके, जो कि मार्च का क्वार्टर था Q4 का, तो 23,267 अगर बात करें करोड़ रुपीज में ये डेटा है, तो यहां पर देख लिए
इतने करोड़ रुपए की इनकी रेवेन्यू थी, जो कि लास्ट क्वार्टर की बात करें Q3 की यहाँ पर, तो 25,927 जो कि ईयरली बेसिस पे बढ़ती हुई नज़र आई, अगर बात करें सॉरी क्वार्टरली वाइज यहाँ पर बढ़ती हुई हमें नज़र आई है, एज वेल एज बात करें यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर की, तो देखिए यहाँ पर हुआ है अभी 26,311 करोड़ रुपए का ऑपरेशंस के थ्रू जो इनकी इनकम हुई है वो। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जंप दिखी है, एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर आपको ऑपरेशन में जंप दिखाई दी है। अगर बात करें अदर नेट इनकम की, जो कि हमें माननी नहीं चाहिए, बट अगर उसे भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 545 इस बार की थी, लास्ट क्वार्टर की 611 थी, और उससे पहले 614 करोड़ रुपए के आसपास की यहां पर अदर इनकम थी। टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो टोटल इनकम आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में, जो 2020 के क्वार्टर में यहां पर जो टोटल इनकम हुई 23,881 करोड़ थी, और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर में आया था 26,538 करोड़ रुपए, और अभी देखते हैं तो 26,856 करोड़ रुपए। तो ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर अच्छी खासी जंप है। ओके, क्वार्टरली बेसिस पे इतनी खासी जंप, इतनी बड़ी जंप नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर 300 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ पर जंप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, क्योंकि एक्सपेंस भी कंपनी ने करे होंगे, ऑब्वियसली बात है कोई पैसा कमाएगा तो रॉ मटेरियल, एम्प्लॉई खर्चा, वो सब चीज़, रेंट वगैरह सब चीज़ देखना पड़ता है। तो टोटल एक्सपेंस अगर देखते हैं तो टोटल एक्सपेंस लास्ट ईयर था 18,385 करोड़ रुपए का, इस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 19,387 करोड़ रुपए का यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर का यहाँ पर एक्सपेंस था, और अभी की एक्सपेंस की बात करें तो 19,921 करोड़ रुपए का एक्सपेंस है, जो कि ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा होता हुआ नजर आया। और कभी भी किसी भी कंपनी के लिए एक्सपेंस ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि एक्सपेंस अगर ज़्यादा करेगी कंपनी तो प्रॉफिट में उसी तरीके का आपको डिप दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर अभी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अगर बात करें, यहाँ पर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनी का ज़्यादा खर्च होता हुआ नजर आया, जिसका सीधा इंपैक्ट कहाँ पर नजर आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट में। तो अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अगर हम बात करें एक्सपेंस माइनस टोटल सॉरी इनकम प्लस माइनस टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है टैक्स वगैरह काटने के बाद, सॉरी टैक्स से पहले का रिजल्ट। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें क्वार्टर में 5,496 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की तो 7,151 करोड़, और अभी की बात करें तो 6,935 करोड़ रुपए का, जो कि ईयरली बेसिस तो हमें जंप दिखाई दे रहा है, बस क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर हमें 200 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर लॉस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें लॉस क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा होते हुए नज़र आया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस में। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह सब कुछ काटने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर में 4,335 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट था, अगर बात करें लास्ट क्वार्टर में जो है कि दिसंबर का था 5,215 करोड़, और अभी की बात करें तो 5,078 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ हमें होता हुआ नजर आया, मतलब प्रॉफिट इस बार 5,078 करोड़ रुपए का होता हुआ नजर आया है। तो जो कि ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा हमें नजर आ रहा है, काफ़ी तो नहीं, हाँ ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जंप आपको गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि आप साफ देख सकते हैं। तो मार्केट को इसने बीट नहीं किया है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट इसके ठीक ठाक आएंगे, बट ठीक ठाक का मतलब हाँ बराबर, जो कि इस तरीके का ही प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, ज़्यादा की नहीं थी इनकी एक्सपेक्टेशन, बट स्टिल यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। और इन्फोसिस ऐसी कंपनी है, अगर रिजल्ट कम भी आ जाता है, ओके प्रॉफिट कम भी आता है तो कोई इशू नहीं है, वो अगले क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट देती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर बात करें वेटेज में तो अच्छा खासा वेटेज लगता है, 4-5 लाख करोड़ की कंपनी है, तो इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बात करते हैं यहाँ पर और भी चीज़ों की, तो हाँ आप देख सकते हैं ईपीएस यहाँ पर हम देखते हैं तो 10 का ईपीएस था जो कि लास्ट ईयर था, और अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की तो 12.25 था, और अभी रिजल्ट प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आया, तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर ईपीएस भी कम होता हुआ नज़र आया, लगभग 12 रुपये के आसपास का, 11.96, थोड़ी सी गिरावट है बट आपको चलेगा, कोई इशू नहीं है, कंपनी अच्छी है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो सब कुछ आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व कैश है, इसी वजह से यहाँ पर 9,200 करोड़ रुपए के आसपास बाईबैक भी लाते हुए दिखाई दिया है, जो कि 1,750 रुपए का इन्होंने पर शेयर यहाँ पर प्राइस भी रखा है। और अगर बात करें यहाँ डिविडेंड, तो कंपनी ने 15 रुपए का डिविडेंड भी आपको दिया है। आपके पास डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि
क्या डेट है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और कंपनी की अगर बात करें, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट यहाँ पर दीजिएगा मुझे, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इन्फोसिस की, तो देखिए लगभग 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ROCE काफ़ी बेहतरीन है, 32% की ROCE है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट की बात करें तो ना के बराबर इनका डेट है। और अगर हम यहाँ पर ईयरली यहाँ पर देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं सेल्स भी हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। ओके, इस बार की सेल्स भी बढ़ती हुई नज़र आई है, नो डाउट। अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ यहाँ पर आपको नज़र कम आएगा इस बार के, जो कि अभी अपडेट नहीं हुआ है, दिसंबर का है। बट मैं आपको यहाँ पर सीधे रिजर्व्स की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छा है, लगभग 70,000 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें ना के बराबर लगभग 5,000 करोड़ की बोरिंग है, जो कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें 11,000 के लगभग का, यहाँ पर 11,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें 22,000 करोड़ रुपये का कैश। ओके, सब कुछ इनका काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है। FIIs/DIIs की बात करें तो यहाँ पर 50% का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर तब्दीली होती हुई नज़र आई है। ओके, यहाँ पर आप इनकी इसी में जाएंगे, यहाँ पर ऊपर अगर मैं और ले जाता हूँ आपको, मुझे शायद डेटा यहाँ पर लाना पड़ेगा इनका। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बाईबैक, मतलब बाईबैक से पहले का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। प्रमोटर्स का इतने लगभग 13% की हिस्सेदारी है। अगर DIIs की बात करें यहाँ पर बैंक वगैरह, तो 13% के आसपास की उनकी हिस्सेदारी है। FIIs और FPIs, NRIs इनकी बात करें तो लगभग 50% की हिस्सेदारी ये रखते हैं। और इंडियन पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर है, कॉरपोरेट वगैरह की बात करें तो 23% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर ये लोग रखते हैं। तो अगर इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी, अच्छा खासी इनकी बैलेंस शीट है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, रिजल्ट में थोड़ी बहुत गिरावट है, वो आपको बता दिया कि क्या रीजन है इसके पीछे, जो कि आप देख सकते हैं इन्होंने एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ है इसी वजह से। बाकी एवरीथिंग इज फाइन, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी इज फंटास्टिक, कंपनी बहुत बेहतरीन है, अपने शेयर होल्डर को करोड़ों रुपए कमा के दिए है इसने, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टे इन्वेस्टेड, नीचे आता है तो नीचे आने का मौका उसके लपक लीजिएगा शेयर को। अगले क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट आते हुए शायद दिखाई दे, क्योंकि कोविड है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को, जो आपका खुद का चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।